Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Shorts by Snigdha. So in today's video, I am going to review this Biotic Bio Papaya Revitalizing Tan Removal Scrub की review. So ये मैंने 2 units में purchase किया है and इसकी जो purchase link है वो मैं नीचे description box में mention कर दूँगी, तो अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से checkout कर सकते हो. सो अगर बात करूँ कि मैंने इसके 2 यूनिट्स मंगाए हैं, सो बिकॉज इसको अगर मुझे मंगाना था तो इसमें 2 यूनिट्स मिनिमम ऑर्डर करना था, तो इसलिए मैंने इसके 2 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं. तो ईच 100 ग्राम का ट्यूब है ये, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, तो ये बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब है एंड ये 100% आयुर्वेदिक रेसिपी है विद बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स. एंड यहाँ पे इसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ही इसके जो कंटेंट्स हैं मेंशन किए गए हैं. जो भी इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है पीछे. एंड यहाँ पर मैं आपको बात करूँ अगर इसकी प्राइस की, सो 100 ग्राम की ट्यूब की प्राइस है 140 रुपीज़, लेकिन ये आपको ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस में ज़रूर मिल जाएगा. एंड इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो है 3 इयर्स तक, तो आप लोग इसे इसीलिए 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हो. एंड इसकी जो मेन फ्रूट है वो है पपाया, एंड आप सबको पता है कि ये जो पपाया है ये ब्राइटनिंग एक्सट्रैक्ट की तरह काम करता है. एंड ये जो स्क्रब है डेफिनेटली आपके टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड ये आपकी जो डेड सेल है उसको भी हटा देता है, एंड आपके जो क्लॉग पोर्स है उसको भी रिमूव करता है उसके क्लॉग को, एंड आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ एंड सपल फिनिश देता है. एंड धीरे धीरे आप इसे यूज़ करोगे तो आप लोग देख पाओगे कि आपके जो टैनिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है. सो चलिए मैं आपको अभी मैंने अपनी हैंड्स को जो है वेट कर लिया है, एंड आप इसके टेक्सचर को देख सकते हो. ये बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ही डिसेंट इसका टेक्सचर है. एंड ये जो है आप अपने फेस पे विदाउट वाटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा हार्श हो जाएगा. तो जब भी अपने फेस पे इसे अप्लाई करो तो डेफिनेटली फेस को वेट करने के बाद ही आप इसे अप्लाई करना. एंड ये आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे ग्रैनुल्स हैं इसमें, एंड इसको आपको ज़ोर से रब नहीं करना है, बिल्कुल माइल्डली आपके स्किन के ऊपर इसको रब करना है विद सर्कुलर मोशन. एंड डेफिनेटली ये जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है वो हार्श नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो आपकी स्किन में रेडनेस हो सकती है. तो इसलिए आपको ये माइल्डली आपके स्किन के ऊपर इसको मसाज करना है. एंड आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर जिस तरह से मसाज कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह से अपने स्किन के ऊपर करना है. एंड ये जो स्क्रब है आप इसे वीक में एक बार तो ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा माइल्ड स्क्रब है. सो डेफिनेटली आप लोग इसे वीक में वंस ट्राई कर सकते हो, एंड ये टैन रिमूविंग भी बहुत अच्छे से करता है. सो मुझे ये स्क्रब बहुत अच्छा लगा. तो चलिए मैं अभी अपने हैंड्स को वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ. सो आफ्टर 1 मिनट ऑफ स्क्रबिंग मैंने अपने हैंड को जो है प्लेन वाटर से धो लिया है, एंड आप लोग देख सकते हो मैं इसे टॉवल से पैट ड्राई कर रही हूँ, एंड यहाँ की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रही है गाइस देन दिस अदर हैंड. एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन भी ये करता है स्किन को, एंड बहुत ही अच्छा स्क्रब है गाइस, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है. एंड डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई. एंड या ये था मेरा वीडियो, आई होप अब सबको अच्छा लगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा. तो अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.